वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज है 31 दिसंबर 2023 का लास्ट डे, और आज हम छोटा सा एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं। सेलिब्रेशन मतलब पाव भाजी बनाने वाले हैं। तो आज है पाव भाजी का बेथ है हमारा, और पाव भाजी बनने वाली है आज हमारे स्पेशल मेन्यू। ओके, प्रिपरेशन हो गया अभी स्टार्ट, और अभी यहाँ पे पूरा जो सामग्री है पूरी स्टोव मसाला वगैरह सब कुछ, आलू वगैरह सब कुछ ये उबाल के लाए हैं। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है पाव। यस, पाव, क्योंकि पाव भाजी में तो पाव लगते हैं, इम्पोर्टेंट बात होती है पाव। तो वो पाव यहाँ पे आ चुके हैं, अभी बहुत स्ट्रगल करके पाव लाए आज। तो वही देखते हैं आगे कैसी पाव भाजी बनती है, दिखाते हैं आपको। और ये देखिए, बड़े भैया ने अभी सिलेंडर लाया है, सिलेंडर लगा के फिर स्टोव ऑन करेंगे, और जय पाव भाजी, आज पाव भाजी बनेगी। कौन है आज का मास्टर शेफ? और गाइस, आज के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अमूल बटर और ये सुहाना मसाले, पाव भाजी मसाला। नॉट स्पॉन्सर्ड, कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है। आपको चाहिए तो आप किसी भी कंपनी का। ये पाव भाजी मसाला, इन आलू को बख्श मिल चुका है थोड़ी देर के लिए, बट ये भी जाने वाले इसमें। अगर पावने मंडी वाली चलते टोमेटोज, नींबू, ये पूरा जो माल मटेरियल इसका पूरा अब मिक्स हो चुका है। और आज का छोटा सा व्लॉग बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट शाम को मैंने मतलब हमारा प्लान बना कि आज लेट प्लान बना किया अभी हम पाव भाजी बनाएंगे। वैसे ज़्यादा कोई बड़ा प्लान नहीं था, और अभी जा रहा है अमूल बटर तवे के ऊपर नहीं। प्याज और इसको मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट करवावली। जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन। टर्मरिक पाउडर, हल्दी, चिली पाउडर, कैसे बोलते हैं रेड चिली पाउडर। हैप्पी न्यू ईयर एंड न्यू ईयर। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और आज से अपना चालू फूड ब्लॉगिंग चैनल शुरू करने वाले हैं हम दोस्तों। फूड ब्लॉगर यहाँ पे अभी लॉन्च होने वाले हैं आज, सागर भाऊ चौहान। ये मसाला पाव भाजी मसाला स्पेशल, आधा पैकेट डाला है और आधा पैकेट हम बाद में डालेंगे।
लिस्ट में आ गया पूरा जो माल मटेरियल है मस्त। अभी पोटैटोज और सारी जो दाल बिल मिक्स होती है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं वेजिटेबल्स उसका पूरा जो है मिक्स कर रहे हैं अभी। थोड़ा इसमें पानी जाएगा और थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो गई इसको थोड़ी पतली करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सॉल्ट स्वादानुसार नमक शमक इसमें ऐड हो रहा है। कैसे बोलते नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक। ये है हमारी मसाला रानी। ये कहाँ से लाते हो आप ये मसाला? ये मसाला रानी हम जीटी रोड लाहौर पंजाब उधर से लेके आते हैं। ये हमारी मसाला रानी और गाइस ये स्पेशल मसाला रानी। ये स्पेशल मसाला है हमारा। ये अभी खत्म हो गया है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये खत्म हो गया है। ये स्पेशल हम बाहर से मंगवाते हैं और ये हमारा एक है ये भी इसमें भी एक है। ये पूरा ये सिर्फ विदर्भ में मिलता है यहाँ पे कांदेश में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको ढूंढने के लिए हमारे घर वालों ने 4 साल यहाँ पे घूमे पर किसी भी दुकान में नहीं मिला। फिर वहाँ से हमने देखे इतनी सी पैकेट है सिर्फ 7,955 रुपये में मंगाई है। चाहिए होगा तो कॉन्टेक्ट करिए। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे इसको करड़ा बोलते हैं। कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे शुरू है पाव कटिंग और पाव कट करके फिर उसको अपन मस्त अमूल बटर लगा के फ्राई करेंगे तवे पे। अब फुल प्रिपरेशन शुरू है। और दोस्तों आप भी बताना आपने 31st की पार्टी कैसे की, आपका कुछ स्पेशल अगर आपने बनाया होगा तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में और शेयर करना आपके व्यूज। और गाइज ये है प्योर देसी घी। देसी घी में हम इसको अभी भूनेंगे पाव को। मस्त पाव भून रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस पाव भाजी हो गई रेडी और इसमें पाव भाजी देखिए मस्त पाव भाजी बन चुकी है और नीचे पाव भाजी सेक रहे हैं और भी सेक जा रहे हैं। और ये मम्मी का कैसे हुई पाव भाजी? मम्मी एक नंबर डाली ना खूब अच्छा। और ये पापा यहाँ पे खा रहे हैं। ओके गाइस तो आज की ये पाव भाजी पार्टी अभी मैं भी टेस्ट करूँगा पाव भाजी को और बताऊँगा आपको कैसे बनी मस्त कैसी लगी कैसी नहीं। आप भी बताना वीडियो में कि कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या बनाया आज स्पेशल, अगर नहीं बनाया तो वो भी बताना। और ये व्लॉग है जो 2023 का लास्ट व्लॉग है अपना। इसके बाद 2024 में अपन अच्छा सा एक गोल रखेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अपने चैनल के लिए क्या गोल सेट करना है क्या नहीं। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे अब 2024 में। हम ग्रो करेंगे साथ में सब मिलके। ओके सो अभी मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसी बनी आज की पाव। ये देखिए मस्त भाजी और ये पाव। ये भैया मम्मी और ये बाबू जी सब साथ में बैठ के खा रहे हैं। पापा का हो चुका है कंप्लीट खाना और अभी बताता हूँ आपको खा के कैसी बनी आज की पाव भाजी। तो आज की पाव भाजी खाने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा। पाव भाजी खा के ख़त्म हो चुके हैं और अभी देखिए मेरा अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और ये भैया और भैया का बाकी सिर्फ सागर भाई का बाकी है। तो सागर भाऊ से आज अपन रिव्यू लेंगे कैसी बनी आज की पाव भाजी। आज की पाव भाजी सबसे बेहतरीन पाव भाजी में से एक है और जो पाव भाजी आज हम खा रहे हैं वो सब घर पर बना हुई है पूरी। देखिए आप भी देख लीजिए प्याज और मटर सब एक साथ नींबू वगैरह एक नंबर पाव भाजी बनी है दोस्तों आज की। और आपने क्या बनाया स्पेशल वो बताना कमेंट बॉक्स में। और ये था आज का 2023 का लास्ट वाला ब्लॉग। इसके बाद हम डायरेक्ट एक साल बाद 2024 में मिलेंगे और देखते रहना ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करना और अभी कर ही देना आज स्पेशल फॉर पाव भाजी और कमेंट बॉक्स में स्पैम कर देना पाव भाजी बाय सागर भाऊ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।